किस अवस्था को क्या कहते हैं, ये भी अवस्थाओं के हमारे यहाँ नाम हैं कि इतनी आयु तक उसका ये नाम होगा, उसके आगे अवस्था ये कहलाएगी। कौमारम पंचमाब्दांतम, पंचमाब्दांतम कौमारम, पांच वर्ष तक की अवस्था को कौमारावस्था कहते हैं। और पहले जाए तो वो जो गर्भावस्था होती है पहले, तो उसमें भी अलग अलग अवस्थाएं, वो जो है कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन कंधु करकंधुनि पेश्यंडम ततः परम, ये भी शुक्र और शोणित एक दिन में मिलते हैं। तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, फिर बुधबुधाकार होता है, दशाहेन करकंधु, करकंधु यानी वेर की अवस्था वाला होता है 10 दिन तक, फिर उसमें मुंड निकलता है और फिर ये मांसपिंड बनता है, फिर झिल्ली में लपेट जाता है, ये सब व्यवस्था भी है। गर्भ के बाद में फिर उसको शैशवावस्था कहा जाता है, जो जब तक वो माता का दुग्धपान करता है तब तक शिशु को, शिशु की अवस्था का नाम शैशवावस्था है। फिर 5 वर्ष तक जो बालक हो जाते हैं तब तक उनको कौमार कहते हैं, कौमारम पंचमाब्दांतम, 5 वर्ष पर्यंत की अवस्था वाले बालक का नाम है कौमार, कुमार। पौगंडम दशमावधि, और फिर 5 से बाद 6 से लेकर के 10 तक पौगंडावस्था है, और फिर जो है 11 से 15 तक कैशोर मा पंचदशात, आ पंचदशात कैशोरम, 15 वर्ष तक, 11 से 15 तक किशोरावस्था, और यौवनम तो ततः परम, ततः परम 16 वर्ष से लेकर के और फिर उसकी युवा संज्ञा की गई है, और फिर आगे वो वृद्धावस्था है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धौ याति गृहीत्वा दंडम तदपिनम मुंचति आशा पिंडम, भगवान आदि शंकराचार्य चरपट पंजरिका में कहते हैं। फिर जब जो है अंग गलित हो जाते हैं, सिर के बाल जो है श्वेत हो जाते हैं, दशन विहीनम दांत चले जाते हैं, जातम तुंडम झुक जाता है, फिर वो जो है वृद्धावस्था आ जाती, वृद्धौ याति, तो दंड लेकर के चलता है, गृहीत्वा दंडम, लेकिन ऐसी अवस्था में भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, वो आशा तृष्णा वो नहीं छोड़ती है। इसी बात को भर्तृहरि भी कहते हैं, सकालो न याता वयमेव याता, स्तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, सतृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। लोग कहते हैं हम तो वही टाइम पास कर रहे हैं, अरे वही टाइम पास आप नहीं कर रहे हो, ये भ्रम है कि आप जो है टाइम पास कर रहे हो। आप टाइम को पास और फैल करने वाले कौन होते हैं, वो काल समय टाइम ही आपको पास कर रहा है। स कालो न यातो वयमेव याता, वयमेव याता, मैं ही जा रहा हूं, तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, मैंने तप को नहीं तपाया, तप नहीं किया, खुद ही तप गया, वृद्ध हो गया। सतृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, वो तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, मैं ही जीर्ण हो गया। जब ये जो है, एक बात और बता दें, विषय से बाई है पर आपके काम की है, व्यक्ति का जब जन्म होता है, जब जो है बाल्यावस्था, ये जो है ना किशोरावस्था की चर्चा की है, किशोरावस्था यानी कि जब तक व्यक्ति युवा नहीं हो जाता तब तक उसको तृष्णा नहीं होती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, विषयों के प्रति उतना लगाव झुकाव आसक्ति नहीं होती है। बालकों में इतनी कहाँ होती है, वो खेल कूद की इसकी सब है, बाकी की सब विषयों के, समस्त इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति आकर्षण और झुकाव लगाव नहीं होता है।
तो जब ये तृष्णा जागृत होती है तो तब ये बात, ये जो है युवा हो जाते हैं। व्यक्ति जब युवा होता है तब उसके हृदय में तृष्णा का जन्म होता है। तो तृष्णा बालक होती है, बाल्य अवस्था में होती है। और जब हम जो है वृद्ध होते हैं तो तृष्णा तब बाल जो है युवा हो जाती है, क्योंकि हमारे युवा में तो उसका जन्म हुआ है। और जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो वो युवा हो जाएगी। इसीलिए वृद्धावस्था में तृष्णा युवती होती है और वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए कहा गया है तृष्णा श्रोतो विभंगो गुरु सुच विनया सर्वभूतानुकंपा। ये तृष्णा के स्रोत का ही अवरोधन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उस स्रोत को ही विभंग कर देना चाहिए, तो ही तृष्णा से बचा जा सकता है। तृष्णा को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। केवल भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के चरणों में आसक्ति लगाने की और उनके प्रति अनुराग बढ़ाने की, उनकी कथा श्रवण करने की, उनके दर्शन की, ये ही तृष्णा आशाएं रखनी चाहिए। बाकी की लौकिक आस्थाओं को, तृष्णाओं को, इच्छाओं को जो है नहीं करना चाहिए। ये कहा जाए कि ये जो आसक्ति है तो आसक्ति को हम छोड़ दें, नष्ट कर दें, हटा दें, ये कभी भी हो नहीं सकता। पूज्य श्री अखंडानंद स्वामी जी महाराज के ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, वे कहते हैं कि ये जो आसक्ति है ये तो आ सकती है, केवल जा नहीं सकती। बड़े सरल शब्दों में वो कहते हैं कि ये जा नहीं सकती, आ सकती है। हमारे एक राम गुरु जी हैं, उन्होंने इसको हमको बतलाया था कि स्वामी जी का ये मंतव्य है कि वो आ सकती है, जा नहीं सकती। तो भाई कैसे इसे पिंड छूटे, इसको हटाना तो है ही। बोले बदली जा सकती है। अभी तो ये आ सकती है, जो लगाव झुकाव है वो विषयों के प्रति है, वहां से हटा करके जो अपने इष्ट देवता में, भगवान श्री नारायण में, भगवान सदाशिव में, भगवती दुर्गा में, जिसमें आस्था हो अपने इष्ट देव में वो परिणित कर दीजिएगा, यहां से हटा करके वहां जोड़ दीजिएगा। तो जाएगी तो है नहीं, क्योंकि आई आ सकती थी, वो जाती है नहीं, बदली जा सकती है। वो विषयों से, संसार से हटा करके भगवान में लगा देना चाहिए। तो यही कहा गया है कि इसके बाद जो है कौमार मा पंचदशात यौवनम तु ततः परम, जो 15 वर्ष तक कुमारावस्था होती है और उसके बाद जो है यौवनावस्था प्रारंभ हो जाती है। आचार्य चाणक्य भी इसी बात का प्रतिपादन करते हैं कि प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत लालयेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताडयेत। बालकों का जो है 5 वर्ष तक खूब दुलार करे, लालन पालन करे, लालयेत 5 वर्षाणी और ततः ऊर्ध्व यानी 16-10 वर्ष पर्यंतम ताडयेत, फिर उनकी खूब ताड़ना करे, शिष्याय पुत्राय ताडयेत न तो पालयेत। ये भी जो है शिष्य का और बालक का, अपने पुत्र का ताड़न भी आवश्यक है, शास्त्र कहते हैं। गलती पर उनकी जो है ताड़ना उनको अवश्य देनी चाहिए। और परंतु प्राप्ते तो 16 वर्षे, यदि वो 16 अवस्था को प्राप्त हो जाए तो पुत्रम मित्रवद आचरेत, तो उस पुत्र के साथ में मित्रवद व्यवहार करना चाहिए, फिर उसको ताड़ना आदि न देवे, उससे सलाह आदि भी लेवे, ये जो है शास्त्रों में कहा गया है। तो आपने जैसे पूछा किस अवस्था को क्या कहते हैं और क्या व्यवहार करना चाहिए, तो वो बतलाया गया है।